टुडे आई एम डिस्कस विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट. हाउ कैन आई इम्प्रूव माई क्वालिटी ऑफ आंसर्स फॉर यूपीएससी सीएससी मेन्स. हेलो एवरी वन, माई सेल्फ चेतना, करियर साइकोलॉजी विद योजना आएंगे. टुडे आई एम डिस्कस विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट. हाउ कैन आई इम्प्रूव my quality of answers for UPSC CAC mains. So I'll give you few tips for the mains answer writing. So first tip, understanding the exam pattern. देखिए exam pattern अगर आप बहुत अच्छे से detail में समझ रहे हो UPSC mains के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा better approach होती है कि आप mains की answer writing को better तरीके से approach कर पाए. Fine, क्योंकि mains के देखिए marks जो आपके होते हैं एंड आपके इंटरव्यू के मार्क्स, ये दोनों ही मार्क्स आपके फाइनल मेरिट, जो आपकी रैंक आप जो भी डिसाइड करते हो, प्रेफर डालते हो, वो आपकी फाइनल मेरिट में काउंट होते हैं. तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए फर्स्ट जो आपकी टिप्स मैं बता रही हूँ वो है, आप एग्जाम पैटर्न को डिटेल में समझिए. लाइक आपको पता होना चाहिए मेन्स में आपके नंबर ऑफ पेपर कितने होते हैं. लाइक नंबर ऑफ पेपर आपके 9 होते हैं. फाइन, आपका कौन सा पेपर आपका क्वालिफाई है एंड कौन सा पेपर आपका जो है मेरिट में आपका क्या होता है, फाइनल ऐड होता है. कौन सा आपका पेपर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है, लाइक ऑप्शनल आपका क्या है, उसमें मार्किंग स्कीम क्या होती है आपकी, 250 मार्क का है एंड वर्ड लिमिटेशन क्या है. तो देखिए डिटेल में कॉम्प्रिहेंशली आपको ये डिटेल में पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न मेन्स का आखिर क्या है. ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर कितने हैं आपके, मार्किंग स्कीम क्या है, आपको डिटेल में पता होना स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अपने आंसर को बेटर अप्रोच कर पाओगे. नाउ नेक्स्ट इज एनालिसिस द क्वेश्चंस. देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चंस जो है आपको एनालिसिस करना आना चाहिए. लाइक एग्जांपल बताती हूँ, आपको क्वेश्चंस को ना ब्रेक करना आना चाहिए कि अगर आप अपने पीवाई के, अगर आप मेन्स के उठाओ आप देखो, तो उसमें देखो आपको एक क्वेश्चन ना आपको कम से कम 5 से 6 लाइंस में आपको क्या होता है, मेंशन होता है. तो आप उसको देख कर ही काफी स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं. तो आप चीजों को ना एनालिस करना सीखो, कि आप क्वेश्चंस को ब्रेक करना सीखो. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है ना आपने पढ़ा तो वही होता है जो सिलेबस में मैंशन होता है यूपीएससी का, मगर वो जो है आपको जो भी एग्जामिनर जो आपका पेपर सेट करता है वो उसको इस पैटर्न पे करता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो शायद ये पढ़ा ही नहीं है टॉपिक, बट वो हम सब ने पढ़ा होता है. तो आपको क्वेश्चन को ब्रेक करना आना चाहिए कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को आप 2 में 3 में ब्रेक करो, उसके जो की वर्ड्स उसको हाईलाइट करना सीखो, ताकि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग आपके डेवलप हो सके. तो इस तरीके से क्वेश्चन को ब्रेक करना आप सीखिए. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरिंग योर आंसर. देखिए स्टूडेंट, आपको ना आंसर राइटिंग को स्ट्रक्चर करना आना चाहिए. लाइक स्ट्रक्चर मीन होता है कि आप उसको स्ट्रक्चर आप बनाओ. इंट्रोडक्शन हमें लिखना है. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन का देखो इंट्रोडक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एक तरीके से रोल प्ले करता है. किसी भी क्वेश्चन को आप फ्रेम करें तो उसका इंट्रोडक्शन लिखना सीखिए. बॉडी डायमेंशन आप बनाइए. एंड लास्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन. देखिए आप बिना आंसर, अगर आपको बेटर करना है, आप चाहते हो कि आप क्वालिटी बेटर कर पाओ अपने आंसर्स की, तो आप उसका कंक्लूजन स्टूडेंट जरूर आप मेंशन कीजिए. विदाउट कंक्लूजन हम आंसर्स को बेटर नहीं कर पाते. तो आप उसका आप जो कनेक्ट करेंगे उससे क्या होगा, जो भी आपका एग्जामिनर जो भी आपकी कॉपीज चेक करता है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फील करता है कि आप क्वेश्चन को एक स्ट्रक्चर वे में क्या करो, फ्रेम कर दो. ये एक बहुत अच्छा गुड तरीका होता है अपने आंसर्स को बेटर अप्रोच करने का. नेक्स्ट इज इनडेप्थ नॉलेज एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. देखिए आप कोई भी क्वेश्चंस का आंसर आप लिख रहे हो ना, तो आपको इनडेप्थ में नॉलेज होना बहुत जरूरी है. क्लैरिटी आप रखिए. सपोज आप पॉलिटी, अगर आप कोई क्वेश्चन आप ले रहे हो, ठीक है, पॉलिटी में आपको पता होना चाहिए आपने करंट अफेयर जो भी पढ़ा है, तो उसको किस क्वेश्चन में आप कौन सा करंट अफेयर आप एड करो. आप ये नहीं ज्योग्राफी कोई भी केस हुआ तो आप उसे पॉलिटी से कनेक्ट कर दो. माना सारे सब्जेक्ट एक दूसरे इंटरलिंकिंग है, नो डाउट, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटी है तो इसमें केस स्टडीज जो अभी करंट में इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो भी आपके
फैसले होते हैं, आपको किस तरीके से केस स्टडी को कैसे उसमें मेंशन करना, रिलेट कैसे करना, आपको इन डेप्थ में नॉलेज होना और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है आप साइंस एंड टेक का कोई भी इशू आपका चल रहा है, इस कंट्री में सुनामी आई, ठीक है, आप उसे पॉलिटी से कनेक्ट करके आप वहां पे उसका लिख रहे हैं, नहीं, आपको क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन का फ्रेम जो बनता है ना वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से ही बनता है। आपको नॉलेज होना हर एक सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सा करंट इशू कौन से क्वेश्चन के लिए बेटर आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट। देखिए यूपीएससी आंसर राइटिंग जो कि आपको पता है बहुत ज्यादा क्रूशल है, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं है कि अगर आप 250 मार्क का जीएस पेपर अगर 1 की हम बात करें, उसमें नंबर ऑफ मार्क होता है कि 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, फाइन, तो 10 मार्क्स में उसमें वर्ड लिमिटेशन भी मैंशन होता है। यूपीएससी हर एक क्वेश्चन में वर्ड लिमिटेशन देता है, 150 मार्क, 250 मार्क, तो आपको हर एक क्वेश्चन में कितने वर्ड लिमिट्स हैं आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, और मुझे पता है कि मुझे इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज है, तो आप एक ही क्वेश्चन में अपना टाइम क्या करो, इन्वेस्ट करो, नहीं, क्योंकि यूपीएससी ये नहीं बोल रहा है कि आप एक ही क्वेश्चन अगर आपको बहुत क्लैरिटी आप उसको बहुत अट्रैक्टिव बनाए, नहीं, आपको हर एक क्वेश्चन को टाइम देना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन कर कर या फिर 5 क्वेश्चन कर कर आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। आपका जो टाइम मैनेज होता है, जो भी एग्जामिनर पेपर सेट करता है उनको पूरी तरीके से नॉलेज होता है कि बच्चे को एक क्वेश्चन को कितना टाइम दे सकता है और देना चाहिए, तो फ्रेम ही ऐसे क्वेश्चंस को आप करते हैं, ठीक है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए कि आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कैसे करो, कितना कितना टाइम सभी क्वेश्चन को आपको देना है, ठीक है, तो टाइम लिमिटेशन और मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस एंड रिविजन। देखिए स्टूडेंट प्रैक्टिस से ही इस जो स्टूडेंट सभी जो है आप वो परफेक्ट आप बनते हो, ठीक है, तो आप जितना आप हो सके प्रैक्टिस आप कर पाओ आप करो। आप स्टार्टिंग से ही ना मेंस की आंसर राइटिंग आप दो, ऐसा नहीं है आफ्टर प्रीलिम्स 3 मंथ्स आपके पास जो होते हैं आप उसमें अपने आप को बेटर करो, उसमें आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, तो ऐसी गलती बिल्कुल आप मत करेगा। स्टार्टिंग से ही मेंस आंसर राइटिंग वो लेके चलो, स्टार्टिंग से रिविजन करो, ठीक है, ताकि आप स्टार्टिंग से खुद का एनालिसिस कर पाओ कि आप कहाँ पे ज्यादा आप इम्प्रूव कर पा रहे हो, आप इम्प्रूव कि कहाँ पे ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कौन सा आपका वीकर पॉइंट है, कौन सा आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो आप इस तरह से आप खुद को फिल्टर कर पाओगे। तो स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करो, चीजों को रिवाइज करो, उससे क्या होगा आप बहुत ज्यादा परफेक्ट बन पाओगे एंड ऑफ द एग्जाम। नेक्स्ट इज आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। देखिए सुन आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन से मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप अपने आंसर राइटिंग में ना एक प्रेजेंटेशन लेकर आओ। प्रेजेंटेशन लाइक अगर आप कोई भी क्वेश्चंस का आंसर आप लिख रहे हो ना, तो उसमें आप कोशिश करो हेडिंग आप डालो, सब हेडिंग डालो, बुलेट्स पॉइंट्स आप बनाओ, ठीक है, फ्लो चार्ट्स का यूज करो, माइंड मैप जो आपकी मैप होता है हो सके तो आप डायग्राफिक बनाओ, इवन जो भी आप हाईलाइट चीजें लिख रहे हो मेजर उसको हाईलाइट करना सीख। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे मैं डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि आप कोई भी आप चीजें कितनी भी अच्छे से आप याद कर लो, आप अपना आपका आंसर कितना ज्यादा क्वालिटी देखिए, जब तक प्रेजेंटेशन का एक फॉर्मेट आपको नहीं बता होगा कि सामने वाला कैसे अपने आपके आंसर के लिए आपके आंसर देख कर ही अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, तो वो आपको पता होना जरूरी है। उसके लिए आप चीजों को अट्रैक्टिव बनाइए, हेडिंग्स डालिए, सब हेडिंग्स, फ्लो चार्ट्स हो सके जितने लाइक मैप अगर आप ज्योग्राफी कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें आप किस तरीके से रिवर्स बना दीजिए, ठीक है, कुछ मैप वगैरह अच्छे से क्वेश्चन को अट्रैक्टिव बनाए ताकि एग्जामिनर क्या हो जाए काफी देख के वो खुश हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज राइटिंग स्टाइल एंड लैंग्वेज। देखिए स्टूडेंट्स आपकी जो राइटिंग स्टाइल है ना बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। अगर आप आपकी आप स्कूलिंग जो भी आपके रही है फिर कॉलेज टाइम में आपकी राइटिंग अगर अच्छी नहीं थी, आप लिखने में थोड़ा आपका है हौच पौच आप करते हो, तो उसको थोड़ा क्लैरिटी रखिए कि यूपीएससी में अगर आप आंसर राइटिंग में कुछ गड़बड़ कर भी रहे हो थोड़ा बहुत, ठीक है, 2-3 फर्क का अगर आप कर भी रहे हो गड़बड़, तो उसमें आप अगर आपकी आंसर राइटिंग अगर आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है, ठीक है, जो कि आप बना सकते हो अगर आपकी है, तो वो क्या कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को इम्प्रूव करेगी। तो अपनी आंसर राइटिंग में जो लिखने का जो आपका स्टाइल है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करिए,
ठीक है, एंड लैंग्वेज आपका जो भी हो, लाइक अगर आप हिंदी हिंदी मीडियम के अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ध्यान रखिए उसमें जो आपकी मात्राएं होती है या बिंदु जो होता है, ठीक है, वकैब जिसे कहते हैं, उसका बहुत ध्यान रखिए। इंग्लिश मीडियम के हो तो उसमें भी आप ध्यान रखिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप एरर्स जो होते हैं ना, मोस्टली हम जो करते हैं गलतियां, उसको जितना हो सके आप कम कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज रिव्यू एंड सेल्फ इवेल्युएशन। देखिए स्टूडेंट, आप जब भी अपने क्वेश्चन का आंसर अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो फाइनली उसका रिव्यू आप कीजिए। रिव्यू एक बार खुद से भी एक बार गो थ्रू करो आप, कि आपका कोई आंसर छूटा तो नहीं है, अगर कोई छूट भी गया है। क्योंकि ऐसा होता है, हम कोई भी अगर हम स्टार्टिंग से करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन का आधा हमसे छूट जाता है ना, तो हम सोचते हैं चलो इसको आखिरी में कर लेंगे। आपको जब वो याद नहीं आता, या फिर कुछ पॉइंट्स में अगर आपने हाईलाइट नहीं करा, कुछ आप चीजें मिस हो गई, तो एक बार उसे खुद से गो थ्रू करो, फिल्टर करो और सेल्फ इवेल्युएशन करो कि हाँ मैं कितना अच्छा लिख पा रहा हूँ। फिर आप फाइनल क्या करो, उसको सबमिट करो। इस तरीके से अगर आप मेरे टिप्स को फॉलो करोगे, तो आप आंसर राइटिंग जो है ना, काफी हद तक जो है बेटर हो पाएगी, और आप सिलेक्ट भी हो जाओगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी प्रिपरेशन। थैंक यू।